नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। और कल मथुरा में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वे जो हैं वो मंदिर में नमाज पढ़ रहे थे। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गौ सेवक फैज खान जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ कि फैज खान हाईलाइट तब हुए थे, तब न्यूज़ में आए थे जब भूमि पूजन के समय में इन्होंने मिट्टी दी थी राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को, जो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल ये चीज़ जो बन गई, उनको जेल में डाला गया है, तो क्यों, क्या मंदिर में नमाज पढ़ना क्या जायज़ नहीं है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं अभी जो मीडिया में और सोशल मीडिया में जो ये मुद्दा चल रहा है, इसको मैं एक अलग नज़रिए से देखता हूँ और उस नज़रिए को सबको समझने की आवश्यकता है। दिल्ली से 2 हिंदू मित्र और 2 मुस्लिम मित्र, यानी 4 मित्र साइकिल चलाते हुए मथुरा जाते हैं ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा करने के लिए। तो ये तो देश की सद्भावना के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात थी कि 2 मुसलमान भी साइकिल चला के ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा के लिए मथुरा गए, वृंदावन गए। उन्होंने 84 कोस परिक्रमा की, उस दौरान बहुत सारे मठ मंदिर मिले। एक मंदिर में वो लोग गए, उस समय नमाज का वक्त हो गया था, तो जो मुस्लिम मित्र थे 2, उन लोगों ने बिना अनुमति के वहाँ पर नमाज पढ़ ली। ये गड़बड़ हो गई। अब तक तो सब ठीक था क्योंकि हम ये चाहते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो हमारा संगठन, मुसलमानों की तालीम, तरक्की और मुसलमानों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का ही काम करता है। तो यहाँ तो वही काम हो रहा था जो वो मुस्लिम भाई कर रहे थे कि भाई कृष्ण, राम जी, कृष्ण जी के प्रति समर्पित भाव था उनका। लेकिन मंदिर में जाकर यदि वो पूजा करते, आरती करते, हनुमान चालीसा करते तो ठीक था। मैं भी वही करता हूँ। मैं राम मंदिर के लिए माटी लेकर गया, मंदिर परिसर में जाके नमाज नहीं पढ़ा, मैंने वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, आरती में शरीक हुआ, खड़े हुआ, आरती गाया, मैंने तो ये किया ना। मंदिर में गए तो ये करना था। नमाज जब मुझे पढ़नी होती तो मैं कहाँ जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ। यही चीज़ उनको करनी थी, सब कुछ ठीक था। गड़बड़ ये हो गई, मंदिर में नमाज पढ़ ली। ये सनातन के दृष्टिकोण से भी गलत है और इस्लाम के दृष्टिकोण से भी गलत है। कैसे? सनातन धर्म की एक निश्चित पूजा पद्धति है, मंदिर में जाकर उसी पूजा पद्धति से आप करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस्लाम की पूजा पद्धति वहाँ पर की। दूसरी चीज़, जिस मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो इस्लाम कहता है पहले वहाँ के मालिक से पूछ लो, वो अनुमति देता वहाँ पर नमाज़ पढ़ो। इसी तरीके से मस्जिद भी किसी अवैध भूमि पर निर्माण नहीं हो सकता है, तो अवैध रूप से भी कहीं नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, वो कबूल नहीं होती है। तो ये गलती हुई और उन पर कार्रवाई भी हो रही है, FIR भी दर्ज हो रही है। लेकिन हमें एक दूसरे दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि जब वो यहाँ से गए तो बहुत सारे मुस्लिमों ने उनका विरोध भी किया। क्यों जा रहे हो हिंदुओं के बीच ब्रज 84 कोसी परिक्रमा करने? उन्होंने कहा नहीं, हम सद्भावना के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ जाके उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई, तो अब तो वो उनके ऊपर हंसेंगे और कभी वो सद्भावना का काम करने से डरेंगे आगे कि हम मंदिर के लिए काम करें सद्भावना के लिए और हमारे ऊपर FIR दर्ज हो गई। तो कम से कम FIR दर्ज नहीं करना था, उन पे कुछ जुर्माना लगाकर, जुर्माना यानी कि भाई आपको एक हफ्ता यहीं रहना है, आपको मंदिर की सफाई करनी होगी या गौशाला में। मैं तो ऐसी सज़ा के पक्ष में होता हूँ कोई इस तरह की गलती करे, यानी हत्या ये सब को छोड़ के नॉर्मल जो अपराध होते हैं उनको आप 1 महीने गौशाला की सेवा का दे दो दंड, कि आपको वहाँ पर आप गौशाला में सेवा करोगे आपका दंड भी हो जाएगा, गौ सेवा भी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ उनको दंड देते जिसमें एक पॉजिटिव मैसेज भी होता, मेरा तो ये मानना था। सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, जैसे आपने बोला कि अब वो कुछ मुसलमान जो थे, जो उन पर हंस रहे थे, अब वो उनकी आलोचना करेंगे कि ऐसे जाओगे हिंदुओं के लिए, तो इस तरीके की आलोचना होगी, तो क्या अब वो जो पकड़े गए क्या उनको अब नेगेटिव होना चाहिए या फिर पॉजिटिव ही रहना चाहिए? कुछ ऐसा कुछ अगर उनको भड़काया जाए तो किस तरीके से आप देखते हैं चीज़ को, क्या उनको भड़काया जाएगा? उनको भड़काया जाएगा पर वो पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव रहना भी चाहिए। अब जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मैं राम मंदिर के निर्माण के लिए माटी लेकर, मैं अकेले नहीं गया था, पूरे भारत के पवित्र स्थानों की माटी आई थी और नदियों का जल आया था। बहुत सारे मुसलमान मेरा विरोध कर रहे थे, कुछ हिंदू भी विरोध में उतर गए, लेकिन हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद है, वो कहते हैं सारी दुनिया भी आपके विरोध में नंगी तलवार लेकर खड़े हो जाए
तब भी सत्य पर टिके रहने का साहस आप में है, तब तो आप परिवर्तन ला सकते हैं। विरोध करने वाले करें, अरे 500 सालों से हम संघर्ष कर रहे थे, राम मंदिर निर्माण का समय आया, सबने अपनी अपनी भावना व्यक्त की, हम भी माता कौशल्या के मंदिर से भगवान राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ से एक मुट्ठी माटी लेकर हम चले गए, हमने अर्पित कर दिया, हमारी भावना थी। अब उसका कोई विरोध करे, किसी भी रूप में करे, हम नहीं बदलने वाले। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा सनातनीय हिंदू हैं, आज हम पूजा पद्धति से अलग हैं पूर्वजों से, तो सभी हिंदू हैं यहाँ के लोग, तो क्यों बदलेंगे। सर, वहीं पर एक और सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत गहरा सवाल है, कि क्या अभी दुनिया में, जैसे हम फ्रांस का चाहे मुद्दा उठा ले, चाहे जो भी फ्रांस में हुआ, फिर जो अभी निकिता तोमर के साथ हुआ, क्या इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट जो है वो पड़ा होगा उस चीज़ पर? क्या लगता है, अगर ये सारी चीज़ें ना हो रही होती तो क्या उन पर आज FIR ना होती? किस तरीके से देखते हैं इस चीज़? देखिए, अभी सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है और जनता इतनी जागरूक हो गई है, उससे थोड़ा सा भी कहीं मुद्दा होता है, बाबा का ढाबा हाईलाइट हुआ तो ऐसे लाखों रुपए लोगों ने दे दिया, और फिर उसी मुद्दे को धड़ाम से नीचे भी वही सोशल मीडिया ने गिरा दिया कि भाई उसने पैसा खा लिया, बाबा रानू मंडल हो गया। तो ये सोशल मीडिया का प्रभाव है। निश्चित रूप से फ्रांस में जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने गला काटा, गलत किया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसका विरोध करता है, गला काटने की घटना का। कुछ लोग, मैं स्पेशली आपके चैनल से कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच फ्रांस की घटना का समर्थन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मेरी पूरी दिखाई जाए, काट के नहीं दिखाई जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गला काटने की घटना की निंदा करता है, मुनव्वर राणा के घटिया बयान की निंदा करता है। हम किसी भी तरीके से इस्लाम के नाम पर हिंसा फैलाई जाए, इस बात का विरोध करते हैं। मुसलमानों की तालीम, तरक्की और उनको भारतीयता से जोड़ने का काम करते हैं। तो एक तो फ्रांस की घटना है, मुनव्वर राणा का बयान है, निकिता की हत्या तौसीफ ने सरे बाजार कर दी, केवल उसने शादी के लिए इनकार कर दिया, धर्म परिवर्तन के लिए इनकार कर दिया। मुसलमानों को ये सोचना चाहिए, ऐसे लड़कों को खुद दंड देना चाहिए, क्योंकि आपकी इन हरकतों के कारण अब क्या होगा पता है? आप कहते हैं ना, मुसलमान को कोई घर किराए से नहीं देता है, जोमेटो डिलीवरी बॉय आता है, देखते हैं उसका नाम लिखा है जाकिर या जमील, तो लोग मना कर देते हैं, हम इसके यहाँ से नहीं लेंगे जी। ओला उबर में ड्राइवर का नाम देखते हो, कोई मुस्लिम है नहीं ले। तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं ऐसे? ये तौसीफ जैसी घटनाएं जब होती हैं ना, तो उसके कारण पूरा मुस्लिम समुदाय बदनाम होता है, और एयरपोर्ट पर नंगा करके तलाशी लेते हैं। तो मुस्लिम समुदाय के जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, और ऐसे लड़कों का बहिष्कार करना चाहिए, इनको दंड देना चाहिए। उसका प्रभाव पड़ता है, ये जो फैजल खान जैसे लोग जो एक सद्भावना के उद्देश्य से गए, तो उनके ऊपर वो उल्टा हो जाता है। हाँ सर, ये हम देखते आए हैं कि जो बिल्कुल सही भावना के साथ जाता है कहीं पर भी, उसके साथ गलत होता है, और जो जिसकी थोड़ी मानसिकता जो होती है वो गलत होती है, उसके साथ उसको हमेशा से वो और लोगों को बदनाम करने की चीज़ करता है। तो फिर अगर हम इस चीज़ को देखें कि जो कुछ लोग हैं, जब कोई मुसलमान कुछ गलत करता है, कोई कम्युनिटी, कोई भी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू, कुछ भी गलत करते हैं, तो क्या उनके कम्युनिटी के लोगों को उसकी आलोचना करनी चाहिए, ताकि पूरी कम्युनिटी पे जो है वो गलत चीज़ ना हो, वो हो? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा एक मित्र है, हम लोगों की चर्चा चल रही थी, बड़ा उद्योगपति है, उसने बताया कि एक किसी कंपनी में मुस्लिम इंजीनियर था, IIT पास आउट था, बड़ा भारी इंजीनियर था, उसके बाद में कुछ ISIS से कनेक्शन निकल गया, तो कंपनी ने अंदरूनी पॉलिसी बना ली, इन फ्यूचर हमको कोई मुसलमान अपनी कंपनी में लेना ही नहीं है, डिक्लेयर नहीं किया। ऐसी कितनी जगह पॉलिसी बन जाएगी आपकी हरकतों से, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो अंदर अंदर डिसाइड कर लेगा कि अब हमको अपने घर में कोई मुस्लिम मिस्त्री नहीं बुलाना है, हमको कोई मुस्लिम ड्राइवर नहीं रखना है, हमको किसी मुस्लिम से सब्जी नहीं खरीदना है, फिर आप क्या करोगे? इसलिए बड़े मुस्लिम लीडरान को, जो मुस्लिम समाज के अमीर हैं, मुखिया हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसी कोई घटना जैसे ही आती है, मुस्लिम समाज खुद निंदा करे। जो जमात की घटना हुई थी कि जमातियों के कारण कोरोना फैला, मुस्लिमों को चाहिए था, खुद उसकी निंदा करें, रोहिंग्या को खुद मुस्लिम समाज के लोग यहाँ से भगाए, ताकि यहाँ के हिंदू और अन्य समुदाय आप पे भरोसा करें, नहीं तो भरोसा टूटता है ऐसे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बिल्कुल सही बात बोली सर ने कि जो प्यार है वो बहुत मुश्किल से बांटा जाता है, और जो नफ़रत है बहुत जल्दी से फैल जाती है। तो इसी तरीके से अगर हमारे देश में जो कम्युनलाइजेशन जो शुरू हो चुका है, और जो कम्युनिटी पर एक जो गैप आ चुका है बहुत सारी पर, वो जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। और जो भी मथुरा में हुआ उसका फैसला अब जो है वो कोर्ट ही बताएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो में कमेंट करके अपने व्यूज़
जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।